नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मनसबदारी व्यवस्था में जात से क्या तात्पर्य है, तो एक बच्चे ने उस पर डिसलाइक भी किया है। तो डिसलाइक किया तो मैंने उस वीडियो को दोबारा चेक किया तो वहां पर गलती थी। गलती कहां पर थी? वो थी जो मनसब का आपको एक और था कि कभी भी जात मनसब का जो था वो सवार मनसब। देखो दोस्तों, यहां पर मैंने नहीं की है, मैं खुद मानता हूं और मैं उस बच्चे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे डिसलाइक किया। यदि वो डिसलाइक नहीं करता तो मैं वीडियो को दोबारा नहीं देखता। कई मैं दोस्तों पेपर रीडिंग पर मैं कम ही विश्वास करता हूं। कई बार स्ट्रेस हो जाता है, आपको एनिमेशन भी करना है, सब्जेक्ट भी क्लियर करना है, तो गलती हो जाती है। तो मैं एक बार दोबारा आपसे पुनः आपसे माफ़ी मांग रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं अब कंप्लीट कर रहा हूं। अब आगे से हम थोड़ा बहुत देख कर भी पढ़ लेंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी उस पर आते हैं। देखो दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था एक सैनिक व्यवस्था थी कंप्लीट। दूसरी बात कि मनसबदारी व्यवस्था जो संस्थापक कौन थे मनसबदारी व्यवस्था के, वो पूछा जाए तो कौन थे? अब्बास, वो थे अब्बासियत। अब्बासियत खलीफा अब्बासियत नाम के व्यक्ति ने ये व्यवस्था शुरू की थी। अब आते हैं कि मुगल काल में किसने शुरू की मनसबदारी व्यवस्था, तो अकबर ने। अकबर का नाम क्यों लिया जाता है, वो रीजन ये है कि स्टार्टिंग वैसे बाबर के वक्त आ चुकी थी मनसबदारी व्यवस्था, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने वाला कौन था? अकबर था। तो हमारा जो आंसर रहता है वो अकबर ही रहता है कि अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में चलाई। अब आते हैं कि मनसब का अर्थ क्या होता है। मनसब एक अरबी या फारसी शब्द कह सकते हैं, इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। दूसरी बात, अब जो मनसबदारी है, ये मनसबदारी दो भागों में डिवाइड थी, जात और सवार। जात से तात्पर्य था कि व्यक्तिगत सैनिक पद, और सवार से तात्पर्य था कि घुड़सवारों की संख्या या घुड़सवार दस्तों की संख्या, ये दो चीज। लेकिन स्टार्टिंग में जात ही था, जो सवार है वो काफी टाइम के बाद इसमें ऐड हुआ है। तो अब आते हैं कि पदों का निर्धारण कैसे होता था। तो पदों का निर्धारण दशमलव प्रणाली के तहत होता था। अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दशमलव प्रणाली कहाँ से आई, तो दशमलव प्रणाली जो आई थी वो मंगोलों से आई थी। मतलब जो अकबर है मंगोलों से प्रभावित होकर अपनी सैनिक व्यवस्था में दशमलव प्रणाली शुरू की। तो दशमलव प्रणाली के तहत अंक दिए जाते थे, पद दिए जाते थे, सॉरी, जो मनसब दिया जाता था। मनसब का मतलब पद होता था। तो मनसब जो दिया जाता था वो 10 से लेकर 10,000 के मध्य दिया जाता था। अब 10 से लेकर जो 500 तक का जो मनसब था उसको क्या कहा जाता था, उनको मनसबदार ही कहा जाता था। जो 500 से लेकर 2500 के मध्य होता था जिनका मनसब, उनको अमीर कहा जाता था या उमरा कहा जाता था। और 2500 से लेकर 10,000 के मध्य जिनका मनसब होता था उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था अमीरे आजम या अमीरे उमरा कहा जाता था। मतलब जो सर्वोच्च मनसब था वो 10,000 का था, जो कि युवराज सलीम को मिला था। युवराज सलीम को 10,000 का मनसब मिला था, जिसको आगे बढ़ाकर अकबर ने क्या किया, 12,000 का वो मनसब कर दिया था। अब बात आते हैं, ये नहीं हो सकता था कि जो सवार मनसब है वो जात मनसब से ऊपर हो। मतलब जात जो मनसब था, मैंने यहीं पर गलती की थी, वो आपसे गलती से बोला गया मुझसे, कि जात मनसब हमेशा ऊंचा होता था, सवार मनसब हमेशा नीचा होता था। एक कंडीशन ये थी कि या तो जात मनसब बराबर हो सकता था सवार से, सवार जो मनसब है, या उससे हाफ या उससे भी कम। तो लेकिन विशेष कुछ होता था, विशेष जो थे कि जैसे कि उन्होंने एक दह बिस्ती नाम से एक और बनाया, जिसको एक नियम और कह सकते हैं कि दह बिस्ती। इसमें क्या था कि एक विशेष परिस्थिति के दौरान हो सकता था कि दह बिस्ती में क्या होता था कि 10 सैनिकों पर 20 घोड़े अनिवार्य थे। तो ऐसे करके विशेष परिस्थिति में तो ये हो सकता था, लेकिन ये नहीं था कि हमेशा की जात से ज़्यादा सवार हो। जात में भी पद का जो, जिसको जात में पद मिलता था उसको सवार में भी पद मिलता था उस मनसबदार को। कहने का अर्थ ये है कि दोनों में उनको पद मिलता था, लेकिन जात में जहाँ मान लिया कि ऊंचा पद है, लेकिन सवार में ये जरूरी नहीं कि उसको
जात से ऊंचा पद मिल जाए, जात से नीचा ही पद मिलता था, विशेष परिस्थिति में मिल सकता था, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ देख लेते हैं और विशेष। हाँ, अकबर ने एक, देखो इसमें फिर कन्फ्यूजन है कि दाग व तसीहा एक चलाई थी प्रथा अकबर ने, वो का कई आप देखेंगे सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1575 में चलाई गई थी, या आपको कई जगह पर ये मिलेगा कि 1579 में दाग व तसीहा नाम की प्रथा अकबर ने चलाई थी। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मेरे वे से 1579 आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको श्योर नहीं कह सकता कि यही तारीख यही सन था। 1575 और 1579 के मध्य दाग व तसीहा चलाई थी। दाग व तसीहा क्या है वो मैं बता दूं। तसीहा मतलब चेहरा, तसीहा का मतलब क्या होता है, चेहरा। तो क्या होता था कि चेहरा मतलब आप देखें कि दाग व तसीहा में क्या होता था कि मोहर लगाई जाती थी घोड़ों पर, जैसे कि बैलों पर आप देखते हैं पीछे की तरफ एक मोहर लगा दी जाती है, ऐसे ही घोड़े के ऊपर निशान लगाया जाता था मनसबदारों का। कैसे, जो राइट हैंड साइड था, मतलब घोड़े का जो राइट हैंड साइड होता था उस साइड पर एक निशान लगाया जाता था, वो शाही मोहर का निशान लगाया जाता था, और लेफ्ट हैंड साइड जो निशान लगाया जाता था वो मनसबदारों का पदों का निशान लगाया जाता था, जो कि अलग कर दिया जाता था ताकि पहचान की जा सके कि ये किस मनसबदार का घोड़ा है। अब क्या है कि जैसे कि हम टैक्स देते हैं, कोई भी आप टैक्स लगा लें, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत 0.5 जो टैक्स देते हैं, ऐसे आप कोई भी टैक्स लगा लें, तो टैक्स जैसे कि हम टैक्स देते थे वैसे ही क्या होता था टैक्स के रूप में सैनिकों के साथ, कि जब एक बंदे को जात में, जात मनसब में एक पद मिला है तो उसको घुड़सवार भी मिलते थे। अब घुड़सवारों की जो देख रेख के लिए, साज सज्जा के लिए जो खर्चा आता था, तो उसके तहत मनसबदारों का एक महीने का वेतन को काट लिया जाता था। ये थी मनसबदारी व्यवस्था। और कुछ विशेष यदि आपको देखना है तो आप वो ले सकते हैं कि शाहजहाँ, हाँ जी, जो शाहजहाँ के समय जो सबसे, हाँ शाहजहाँ के समय जो पूरे मुगल काल का जो सबसे ज़्यादा मनसब जो मिला था वो दारा सिकोहा को मिला था, 60,000 मनसब था। और यदि ये पूछ लिया जाए कि अकबर, सॉरी, ये औरंगजेब के दौरान की जो सैनिकों का प्रतिशत क्या था, जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिकों का प्रतिशत में क्या डिफरेंस था, तो उसमें हिंदू 33% थे और बाकी सब मुसलमान थे। और यदि हाँ, एक बात और मैं स्टार्टिंग में बताने की थी लेकिन याद नहीं रहा मुझको, कि यदि आप मुगल काल को याद करना चाहते हैं, कि मुगल काल की सीक्वेंस को याद करना चाहते हैं कि मुगल काल को कैसे याद किया जाए, तो एक मैंने ट्रिक बताई थी कि भाज जाओ सब, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, जाओ यहाँ पर साइलेंट है, एस से फिर शाहजहाँ, फिर ए से औरंगजेब, फिर बी से बहादुर जा जफर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल हुई है अच्छी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो में खामी लगती है, कुछ कमी लगती है, तो मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।